Hey guys, welcome back. I'm Samir and you're watching Commerce Kiyavani. We are on the third class of working capital management. इससे पहले वाले जो दो क्लासेस थे उस पर हमने ऑपरेटिंग साइकिल तक का एक डिटेल डिस्कशन किया था. पांच कंसेप्ट्स कवर हो चुके थे एंड एक एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले थे. सो फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स वो एग्जांपल्स हम आगे लेके चलेंगे ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस रिलेटिंग टू द एंटायर पेपर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फर्दर क्लासेस को या फर्दर कंसेप्ट को करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैप्टर को बहुत जल्दी रैपअप भी करेंगे. सो विद दिस ब्रीफ नोट वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास. जो लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस नहीं देखे हुए हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से लेकर दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. डू वॉच दोज वीडियोज एंड कम बैक टू दिस वीडियो, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा फॉर श्योर. सो स्टार्टिंग द टूडेज क्लास. ओके, ये एग्जाम्पल हमारा था. एग्जाम्पल को एक बार डिटेल पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग साइकिल तक का डिस्कशन हम कर चुके थे. आई होप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो रिकैप करने के बाद देख रहे हैं, ज़्यादा कंसेप्ट हमने किए हुए नहीं थे. ओके, ये हमारा क्वेश्चन था. दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन. ओके ठीक है सर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? ये जो दो पार्ट है ये रॉ मटेरियल से लेके है, WIP से लेके दो पार्ट दिया हुआ है, फिनिश गुड्स से लेके दो पार्ट दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो डेटर का होता है वो दिया हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड जो क्रेडिटर का होता है वो दिया हुआ, और एक बात यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ डेज इन ईयर विच इज 360 डेज. वट वी नीड टू कैलकुलेट इज दो पॉइंट है. पहला, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करो. दूसरा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर कैलकुलेट करो. विल कम टू दिस पॉइंट लेट इन द क्लास. पहले हमारा कंसेप्ट क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल सीखे थे तो ऑपरेटिंग साइकिल का कैलकुलेशन हमारा मेन कंसेप्ट है. सो स्टार्टिंग विद द क्लास फाइनली. ओके, डिटेली अगर हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था बेटा. ऑपरेटिंग साइकिल में रॉ मटेरियल परचेज से लेके फाइनली हम जो डेटर को जो सेल करते हैं वहां तक का पूरा साइकिल इज नोन एज योर ऑपरेटिंग साइकिल. उसमें रॉ मटेरियल होल्डिंग है, मतलब एक जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसको कितना दिन तक, आई रिपीट, पीरियड इज व्हाट, कितना टाइम पीरियड तक आप रॉ मटेरियल को होल्ड कर रहे हो जिसके पीछे आपका खर्चा लगने वाला है. स्टॉक होल्डिंग करने के लिए भी तो खर्चा लगता है ना, तो वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो एंटायर चैप्टर वो आपको बताता है कि वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स में क्या क्या है जिसको होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको फंड इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, एंड करंट लाइबिलिटीज में वो आइटम्स है जहाँ से पैसा आपको लाना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा या फंड जनरेट करना पड़ेगा जिसको लेके आप यूज़ करने वाले हो करंट एसेट्स में. सो करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, ये तीन जो पार्ट हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, ये जो तीन पार्ट है पूरा का पूरा स्टॉक है तीनों के तीनों. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड, हम चारों को ऐड करेंगे, वहां से क्रेडिटर को माइनस करेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आएगा. ये हम लास्ट क्लास तक सीखे थे. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिफर कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दे रहे हैं. सो लेट्स गेट टू द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. एक एक करके कवर करेंगे. रॉ मटेरियल का बात करते हैं. पहले क्या लिखा है एकदम ध्यान से देखें. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके, इन द ईयर, पूरा साल में आप कितना कंज्यूम किए, 6 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, कोई दिक्कत नहीं है सर. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक दिया हुआ है, ठीक है, 50,000 का, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा रह रहा है वो 50,000 का है, ठीक है. क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो समझने से पहले एक छोटा डिस्कशन है, एक डिस्कशन और सारा कंसेप्ट आपके सारे फॉर्मूले जो भी कैलकुलेशन वो सारे आपका क्लियर हो जाएंगे. 6 लाख जो है वो पूरा साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम है, राइट. एक साल में बेटा कितना दिन है, 360 डेज, ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ, ठीक है.
अगर आपने बोला पूरा साल में 6 लाख मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है और पूरा साल इज इक्वल टू 360 डेज, अगर मैं 6 लाख को 360 में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे मिलेगा, रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है पर डे में मिल जाएगा इफ आई डिवाइड द टोटल 360 डेज ऑफ द ईयर। ओके, वही चीज मैंने पहले किया है। आपको पहले क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन पर डे निकालना है। ठीक है, तो सर क्या हो रहा है, 6 लाख मेरा टोटल साल का कंजम्पशन, 360 डेज टोटल डेज इन ईयर, ये जो 1667 आया ये कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज पर डे, राइट? ओके, आपके आपके पास है 50,000 का स्टॉक, एवरेज स्टॉक। इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज आपके पास 50,000 का टोटल रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा रह रहा है। ठीक, और कंजम्पशन देखे जाए, मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन का बात बोला जाए, तो ऑन एन एवरेज पर डे एक दिन में आपका जो कंजम्पशन हो रहा है वो 1667 है। सो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंज्यूम द एंटायर 50,000, क्योंकि यही तो स्टॉक है ना, 50,000 इज योर स्टॉक। इसी को ही होल्ड करने में कहीं ना कहीं आपका टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं आप उसी से ही कंसेंट्रेट करके अपना कैलकुलेशन देखना चाह रहे हो कि ऑन एन एवरेज 50,000 इज, इफ ऑन एन एवरेज 50,000 इज माई स्टॉक इन हैंड, तो उसको होल्ड करके कितना दिन मैं रख रहा हूँ, सो दैट उस पीरियड का जो भी होल्डिंग पीरियड रहेगा उस पीरियड में मुझे स्टॉक को होल्ड करके रखने के लिए जो खर्चा पड़ रहा है या पड़ने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा। इज इट ओके? सो कैलकुलेशन इज बेसिकली एकदम सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन पर डे निकाल लेना है। सर आ गया, अब जो एवरेज स्टॉक है वो 50,000 है। इफ वी डिवाइड 1667 विथ द 50,000 अमाउंट, जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब अगर एक दिन में आप कंजम्पशन करते हो 1667, तो 30 डेज में 50,000 का कंजम्पशन हो जाएगा। दिस इज योर स्टॉक, दैट मीन्स 50,000 जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 30 डेज आपका स्टॉक इन हैंड करके पड़ा रह रहा है। ये इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट को क्या हेल्प होता है, मैनेजमेंट को ये आइडिया पता चलता है कि कितना दिन तक एक स्टॉक या मटेरियल मेरे स्टोर में पड़ा रहने वाला है। सो 30 डेज इज द पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग। एकदम यही लॉजिक बाकी सारे में लगाना है, एकदम सेम टू सेम लॉजिक। मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला जो भी आगे हम सीखने वाले हैं उसका लॉजिक क्या हो सकता है। ओके, आई होप रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं WIP। अब WIP भी एक स्टॉक ही है, तो उसको भी होल्ड करके रखने में कुछ ना कुछ खर्चा हमारा होने वाला है, तो वही चीज़ हमको पहले से चाहिए। WIP इन्वेंट्री कितना है, WIP में पड़ा हुआ है 5 लाख, सेम टू सेम एज रॉ मटेरियल, 360 डेज से डिवाइड किया, सो दिस इज द कंजम्पशन या एवरेज कॉस्ट ऑफ WIP पर डे निकल गया। आपका WIP के जो एवरेज स्टॉक है, मतलब ऑन एन एवरेज एवरेज WIP इन्वेंट्री इज दिस, ऑन एन एवरेज मेरे हाथ में कभी भी आप उठ के खड़े हो जाओ मेरे बुक्स में देखो तो मेरा WIP ऑन एन एवरेज 30,000 मिनिमम पड़ा रह रहा है मेरे साथ में, जो रिसाइकल होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करेंगे WIP होल्डिंग पीरियड का, तो 22 डेज होएगा। ठीक है, कैसे, एकदम सेम लॉजिक ऑफ रॉ मटेरियल, पर डे आपका 1389 का कॉस्ट है WIP का, 30,000 अगर आपका एवरेज में स्टॉक पड़ रहा है, तो 22 डेज, मतलब एक दिन का कंजम्पशन अगर 1389 है, तो 22 डेज में वो 30,000 का कंजम्पशन हो जाएगा। सो दैट मीन्स WIP का जो स्टॉक है 30,000, वो 22 डेज के लिए मेरे स्टॉक में पड़ा रह रहा है। दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, WIP हो गया, सेम फिनिश गुड्स का भी करने वाले हैं हम। फिनिश गुड्स का भी एकदम एग्जैक्टली सेम हमने किया, 360 डेज किया, पर डे में हमने निकाला, और इसका 18 डेज, मतलब एक फिनिश गुड्स मेरे हाथ में या मेरे स्टोर में 18 डेज तक पड़ा रहने वाला है। दीज आर द
डेज वाला कैलकुलेशन, इसी को लेके ना आप ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करोगे। आपको अगर ध्यान होगा, इससे पहले जो एग्जांपल हमने किया था उसमें कहीं ना कहीं क्लियरली बोल दिया था कि रॉ मटेरियल होल्डिंग इतना, फिनिश गुड्स होल्डिंग इतना, WIP होल्डिंग इतना, डेटर्स कलेक्शन पीरियड इतना। सो आपको बस एडलेस करके ही उसको जो ऑपरेटिंग साइकिल के कैलकुलेशन है वो दिखाना होता था। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डिटेल कैलकुलेशन बता रहा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। अगेन ICAI का जो स्टडी मैट है उसका ये क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें डिटेल कैलकुलेशंस हैं। अगर आप ये डिटेल कैलकुलेशन का एक बार फोकस कर लेते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फिनिश गुड्स तक ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपका स्टॉक का पार्ट है, तो स्टॉक का कैलकुलेशन पूरा हो गया। ओके, अब बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल का। सर और कुछ कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी जो है, देखिए ये जो स्टॉक का कैलकुलेशन छोड़ने के बाद, बाकी जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड दोनों कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलेंगे। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल देखोगे, सो दिस इज योर फॉर्मूला, 30 डेज हमारा, हाँ, रॉ मटेरियल होल्डिंग, WIP होल्डिंग, फिनिश गुड्स होल्डिंग, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। नेट में अगर आप देखोगे 85 डेज इज माई नेट ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब मिला जुला के बात ये है कि 85 डेज इज द टाइम जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और उसको प्रोडक्शन, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोरेज, सारा कंसेप्ट, सारा जो कंसिडरेशन है वो लेने के बाद हम सेल भी कर रहे हैं। सेल करने के बाद डेटर को टाइम भी दे रहे हैं कि इतना दिन के अंदर आप, 45 डेज जो है, इतना दिन के अंदर आप पैसा वापस करो, रियलाइजेशन हो रहा है। तो परचेज से लेके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन से लेके सेल होने के बाद डेटर से जो पैसा मिल रहा है वो टाइम को भी कंसिडर कर लिए, तो 85 डेज में एक मटेरियल परचेज होके आपको डेटर से पैसा मिलने में ये जो टोटल लेंथ ऑफ पीरियड है वो 85 डेज। दिस इज नथिंग बट योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल में 85 डेज लग रहा है, डन, एक ऑपरेटिंग साइकिल में 85 डेज लग रहा है। तो अब आपका सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करते हैं, क्या लिखा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर, ठीक है, एक साल में 360 दिन है, उसमें कितना ऑपरेटिंग साइकिल्स हो सकते हैं वो क्वेश्चन है। सर क्या, सर ये एकदम नॉर्मल वाला बात है, यूनिटरी मेथड में देखेंगे 85 डेज इज द टाइम जहाँ पे मेरा एक ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है, टोटल 360 दिन है मेरे पास। If we divide 360 by 85, जो resulted amount आएगा वही हमारा number of operating cycle in a year होगा, done? तो बहुत ध्यान से अगर आप बात करोगे, बहुत ध्यान से हमको एक चीज़, मतलब minutely देखना होता है इस तरह के questions में, जो कि है number of days in a year। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर variation होता है क्वेश्चन में, हल्का से लास्ट पॉइंट पे जाके कहीं पे एक ऐसे जगह पे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा जो कि जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। तो 360, आप 360 की जगह 365 ले लोगे, पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, 360 की जगह 340 ले लोगे, दो भी रॉन्ग हो जाएगा। जब क्वेश्चन में 360 बोला है, इवन इफ वी नो दैट एक साल में 365 डेज होते हैं, बट स्टिल वी नीड टू टेक 360 डेज ओनली। यहाँ पे 365 बोलता तो 365 लेते, 340 बोलता तो 340 लेते। क्वेश्चन में जैसा बोलेगा डेज को लेके, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। आई गेस ये क्वेश्चन से आपको एक ओवरऑल डिस्कशन या ओवरऑल एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप हो गया होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल में एक्चुअल कैलकुलेशन क्यों और कैसे हो रहा है। अभी तक ये जो कैलकुलेशन हमने किया, ये सारे इसको लेके कोई फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन हमने नहीं किया, बस कंसेप्ट और कॉमन सेंस को यूज़ किया है, ठीक है। अब इसी को लेके नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके हम आगे के कंसेप्ट्स या आगे के फॉर्मूलेस को भी सीखेंगे। सो दिस इज योर कंसेप्ट फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड गाइस टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।